The Indian Navy once again foiled a piracy attempt off the east coast of Somalia. Indian Navy warship INS Sharda successfully rescued 11 Iranians and 8 Pakistani nationals. ये फैसला अल्लाह के हाथों में होता है, इंसान के हाथों में नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने भी आपको कुछ कहा है ना करने के लिए। 57 इस्लामी मुल्क, देखिए आप 57 इस्लामी मुल्क तबाह हो जाएंगे अगर वो नहीं करेंगे। पाकिस्तानियों का क्रू ना सिर्फ इंडियन नेवी का उनकी जान बचाने पर शुक्रिया अदा कर रहा है, बल्कि इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? भारत की आर्मी ने। आई वांट टू सी कि पाकिस्तान के लीडर्स किस तरह से जवाब देते हैं। डॉन में मैंने देखा एक आर्टिकल छपा था, देखें जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी क्या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को चेयर अप करेंगे। जिंदाबाद 5 अगस्त 2019 को ये कहा है इंडिया ने कि हम अक्साई चीन भी वापस देंगे, वो लद्दाख भी हम उनसे वापस लेंगे, वो जो कब्जा किया वो भी वापस लेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये कि बलूचिस्तान में आप सूरत हाल देख लें अपनी, इतनी शदीद जंग वहाँ पे जारी है, शुरू हो चुकी है, बाकायदा दो बदू जंग शुरू हो चुकी है। ये और बात है कि इन सियासतदानों के नसीब में अल्लाह ने यह भी नहीं लिखा कि इस्लाम की रियासत पे बने इस मुल्क की इस जंग के अंदर शहीद होने वाले फौजियों पर ताज़ियत या मजम्मत कर सको। उन्होंने बहुत अच्छा किया और उनका ये फ़र्ज़ था कि एज आ इंसान इंसानियत को उन्होंने ख्याल रखते हुए उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने मुसलमानों की जान बचाई। ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पर मदद भारतीय कर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों बीते 1-2 दिन पहले 17 ईरानियन नाविकों और वहीं 19 पाकिस्तानी नाविकों को इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो ने सोमालिया के पूर्वी तट पे समुद्री लुटेरों से बचाया। और दोस्तों आज एक और रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है कि इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो ने 8 पाकिस्तानी और वहीं 11 ईरानी नाविकों को समुद्री लुटेरों से बचाया। आज भी टोटल 19 नाविकों को इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो ने समुद्री लुटेरों से बचाया। जब इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो ने 19 नाविकों को समुद्री लुटेरों से बचाया तब उसी टाइम ही जय हिंद जय भारत का नारा तो लगा रहे थे, लेकिन साथ ही साथ इंडिया नेवी जिंदाबाद का नारा भी लगा रहे थे। दोस्तों आप अपने दिमाग में एक बात कल्पना कर रहे होंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, फिर भी हमारा इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो ने 2-2 बार इन पाकिस्तानियों को समुद्री लुटेरों से बचाया। बट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत का ऐसा कल्चर है कि अपने दुश्मनों का भी दोस्त मानता है, और साथ ही साथ हिंद महासागर समेत 1-2 और सागर में भारत का निगरानी रहता है। और हिंद महासागर में समुद्री लुटेरा और इस तरीके का कंडीशन उत्पन्न हो जाए ये इंडिया नेवी मार्कोस कमांडो होने नहीं देंगे। कैसे भारत बगैर किसी धर्म की तखसीस के इंटरनेशनल लेवल पे भी कौमों की मदद करता है। मुसलमान ये तो कहते हैं कि जी हम एक उम्मा हैं, और ये भी शायद अरब मुसलमान नहीं कहते, ये साउथ एशियन मुसलमानों को अरबों से जुड़ने का एक शौक़ है। भाई हम उम्मा हैं, ईरान भी हमारा भाई। अभी ईरान पाकिस्तान के इशू में अब वही साबित करने की कोशिश पाकिस्तान ज़्यादा और ईरान भी थोड़ा बहुत करता रहता है, जी हम एक ही मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग हैं, एक ही उम्मा के लोग हैं। वो उम्मा कर रहे हैं। अब इसी उम्मा के ईरानी कुछ थे, आप देखेंगे स्क्रीन पे, ईरानी कुछ वहाँ पे पकड़े गए इन सोमाली पायरेट्स के हाथों और पाकिस्तानी पकड़े गए। तो ये 36 के करीब लोग, जिनमें शायद 19 पाकिस्तानी थे और 17 ईरानी थे। तो ये यानी दो मुसलमान देशों के लोग, यानी पाकिस्तान और ईरान के लोग सोमाली मुसलमानों के, यानी सोमाली जो बदमाश पायरेट्स थे उनके हत्थे चढ़े। उन सोमालियों ने उनको अपने पास रख लिया, यरगमाल बना लिया। तो यानी वो मुस्लिम उम्मा, दो मुस्लिम उम्मा, ईरान और पाकिस्तान, इनके लोगों को पकड़ा तीसरी मुस्लिम उम्मा सोमालिया वालों ने, और छुड़ाया किसने? सोमालिया के बदमाशों से इन दो मुस्लिम उम्मा के लोगों को भारत की आर्मी ने। किस बेस पे? इंसानियत की बेस पे, उस बेस पे जिसकी बात अल्लामा इलियासी साहब करते हैं। और ये तीनों मुसलमान जो कौमें हैं और भी इनके साथ वाली कौमें, ये मुस्लिम उम्मा की बात करते रहते हैं, ये ड्रामे रचाते रहते हैं। जब मुश्किल वक्त आता है तो इंसानियत के नाम पे मदद भारतीय करते हैं। इंडियन नेवी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वो जो क्रू इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बींग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं। ऐसे ह्यूमन बींग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। ठीक है सर, अब ये देखें ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को शेयर अप करेंगे, अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को शेयर अप करते। लेकिन हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से उन्होंने 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इशूज़ हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया बुरा मुल्क है, इंडिया ऐसे कंट्री। अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अगर वो इश्यूज़ हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। ठीक है, अगर हम उनके साथ अच्छे, अगर वो हमारे साथ अच्छा करते हैं तो हम भी उनके साथ डेफिनेटली अच्छा करेंगे। अब देखें ना, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उन्हें एक बार भी शुक्रिया अदा नहीं किया गया। आपको नहीं लगता हमारी गवर्नमेंट को उन्हें थैंक यू कहना चाहिए था? जिस तरह उन्होंने जो है 36 घंटों के अंदर अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, 2 ईरानी जहाज़ों को रेस्क्यू किया, बगैर सोचे समझे, एक फ़ोन कॉल पर वो लोग गए हैं। तो आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट को जो है इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए था? देखें, ये बड़ा ना पॉलिटिकल क्वेश्चन हो गया है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि एक अच्छा इक़दाम है। किसी का शुक्रिया अदा करने से कोई बड़ा छोटा नहीं हो जाता, एक पॉजिटिव मैसेज ही कन्वे होता है। जी बिल्कुल, लेकिन यही तो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट में, कि दोनों एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। तो दुश्मन इंडिया वाले नहीं समझते, अगर दुश्मन समझते होते तो हमारे 19 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू ना करते। देखिए, उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो, उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, तो उनका पैगाम सीधा है कि ऐसे ह्यूमन बींग हम लोगों को सेव करेंगे, आया कि वो इंडियन है या पाकिस्तानी है।